प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने वाले एक साधारण किसान के बेटे आयुष कुमार ने, जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में 95.20% अंक लाकर पूरे बिहार में टॉप 10 व जिले में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। वो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप खुद सुन लीजिए कि आयुष क्या कुछ कह रहे हैं। किस चीज का रिजल्ट आया है? मैट्रिक का। कितना मार्क्स लाया? 476। रैंक कितना? 10th रैंक है। 10th रैंक है बिहार में जी। और जिला में? जिला में फर्स्ट। फर्स्ट रैंक है। क्या नाम हुआ आपका? आयुष कुमार। कहाँ से पढ़ाई किए हैं? जिला स्कूल से। सेल्फ स्टडी के लिए? तो इस रिजल्ट से आप कितना खुश हैं? सर खुश तो पूरे नहीं है, उनको फर्स्ट रैंक चाहिए था, 10th रैंक है, आगे और मेहनत करना है। और मेहनत करना है जी। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं, सफलता का श्रेय? अपने टीचर्स को और मेरी मेहनत को, मेरे पेरेंट्स को। आगे चलकर क्या बनना चाह रहे हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? यहाँ पे शांतिपुरी मोतिहारी में, गांव पड़ेगा धनहार दिवली रामगढ़। अदर क्या करते हैं? पिताजी किसान है, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी गाँव में। पिताजी का क्या नाम हुआ जी? पिताजी का क्या नाम? श्री मनोज कुमार। श्री मनोज कुमार जी। तो आपने आयुष को सुना, जिन्होंने कहा कि वो अच्छी इस तरह से, उनकी इच्छा है कि वो भविष्य में और बेहतर करते हुए वो डॉक्टर बनकर अपने दादाजी के अधूरे सपने को साकार करेंगे। यहाँ बता दें कि आयुष कुमार रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के धनहर दीहुली गांव निवासी मनोज कुमार, जो पेशे से किसान है और आयुष के दादाजी रिटायर होमगार्ड जवान, उनकी सफलता पर माता पिता सहित परिवार के सभी लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। वो आगे चलकर भी इस तरह के परिणाम को लगातार बरकरार रखते हुए अपने परिवार के सपने को पूरा करना चाहते हैं तथा जिले का नाम रोशन करना चाहते हैं। उनसे बातचीत के क्रम में बताया गया कि वह भविष्य में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। आयुष ने बताया कि यदि पूरे मन व लगन के साथ परिश्रम किया जाए तो सफलता अवश्य कदम चूमती है। कड़ी मेहनत के बदौलत हर मुश्किल मुकाम को आसानी से पाया जा सकता है। अब आप आयुष के दादाजी को सुन लीजिए कि उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। आप आयुष के दादाजी हैं? कितना खुश है? बहुत खुश है सर। 95% लाया है बिहार में, टॉप 10 किया है। जी जी। क्या कहना है इस पर, क्या कहिएगा इस पर? क्या कहना है सर, जिसको इस पर बधाई देना है, खुशी की बात है, जो इसका मनोकामना है उसको पूरा करना है, यही उम्मीद रखते हैं। पढ़ने में कैसा था? पढ़ने में तो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मेहनत करता था। मेहनती लड़का है। किस स्कूल में पढ़ता था? स्कूल में, जिला स्कूल। क्या नाम हुआ आपका? रामलाल ठाकुर। आप क्या करते थे? हम होमगार्ड में थे। रिटायर्ड कर गए? जी हाँ, 2004 में रिटायर कर गए। तो आपने आयुष के दादाजी रामलाल ठाकुर को सुना, जिन्होंने कहा कि आयुष काफी अच्छा प्रदर्शन करती हैं, वो काफी ज्यादा मेहनत कर ये इस सफलता हासिल कर पाए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।